हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14 मार्च 2023 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडसइंड बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है 7.4% का एक नेगेटिव क्लोजिंग। क्लोजिंग यहाँ पे 1060.10 पे देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारे को ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके मैं बात करूंगा वॉल्यूम की। हाई वॉल्यूम हमें आज के दिन देखने मिला, कैंडल बिंग मीडियम टू लार्ज साइज की बनी है। नीचे की साइड में छोटी सी भी कम एक तरह से देखने मिल रही है। आरएसए यहाँ पे 37-38 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसए हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो आने वाले दिनों के लिए मेरा ओपिनियन जरूर नेगेटिव मूवमेंट के पॉजिटिव साइड के एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउन साइड जो हमें इजिली 1037 के आसपास देखने मिले और वहां से फिर हमें एक रिवर्सल देखने मिले। रिवर्सल में स्टॉक सबसे पहले आएगा 1071 के आसपास, उसको भी क्रॉस कर देगा स्टॉक में अपसाइड मुझे 1107 के आसपास इजिली आते हुए देखने मिल सकता है। जरूर जब चीज को ध्यान में रखते हुए चले। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। रिसेंटली हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था, वहां पे आपको हमने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है वो आपको बताया था। अगर आपको जानना है तो जरूर जब उसको देख ले ताकि यहाँ पे आपको पूरी चीज जो है समझ में आ जाए। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट जो हमने ओपन करके रख दिया, ऑलरेडी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस एज सच मार्क्ड है। थोड़ा सा मैं जूम कर लें ताकि हमें इंपॉर्टेंट डेटा जो कल के लिए देखने मिले क्लियरली। तो बाकी यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करता हूँ 1060.85 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1058.55 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1069.50 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख ले, वहां पे हमने आपको हर एक चीज़ें समझाई। अब मैं बात करूँ इस यहाँ पे मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 1051 का, उसके बाद कहता है 1042 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1080 का, उसके बाद कहता है 1089 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूरी पॉजिटिव क्लोजिंग है, नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में हमारी क्लोजिंग की जरूर एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा और ऊपर भी जो है लेकिन हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहे कल के दिन। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।